हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जान लेंगे जो लोग लॉन्ग वीडियो क्रिएट करते हैं, मतलब लॉन्ग वीडियो क्रिएटर, तो अगर उसी चैनल पे वो शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करते हैं तो फेब्रुआरी एक तरीके से हम सबको पता है शॉर्ट्स फंड से पैसा मिलने वाला है। तो फेब्रुआरी एक तरीके से क्या वो क्रिएटर शॉर्ट्स फंड एंड लॉन्ग फंड, मतलब शॉर्ट्स वीडियो एंड लॉन्ग वीडियो दोनों में से क्या पैसा मिलने वाला है उसको, या शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल बनाना पड़ेगा, तो ये मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, अगर दोनों वीडियो से शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों में से पैसा मिलने वाला है तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा, उसके लिए अलग से एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा या एक ही एडसेंस काम करेगा या शॉर्ट्स चैनल अलग से खोलना पड़ेगा, तो आज मैं पूरा के पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल में नए नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस तरह का अपडेट कंटेंट इस चैनल में हमेशा आता ही रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का जो होम पेज है पहले उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन कर लिया मैंने, तो यहाँ से एक चैनल को पहले देखता हूँ, तो यहाँ से एक चैनल ले लेता हूँ। तो ये भाई साहब लॉन्ग क्रिएटर है, मतलब लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसका शॉर्ट्स फीड में जाके देखते हैं पहले तो शॉर्ट्स वीडियो कुछ अपलोड किया कि नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करके रखा है और शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करके रखा है। तो फेब्रुआरी एक तारीख से जो शॉर्ट्स फंड से पैसा मिलने वाला है हम लोगों को, तो क्या ये क्रिएटर दोनों का पैसा मिलेगा इनको, मतलब शॉर्ट्स फंड्स का भी पैसा मिलेगा और लॉन्ग वीडियो में जो अर्निंग कर रहे हैं अभी वो भी पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, शॉर्ट्स फंड एंड लॉन्ग वीडियो दोनों का पैसा मिलने वाला है और एक ही एडसेंस काम करेगा। तो दोस्तों, शॉर्ट्स फंड्स का पॉलिसी हम सबको पता है, जो रूल्स है इसके लिए आपको सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, मतलब आपका पूरा हो या ना हो, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आप शामिल हो या ना हो, फिर भी आपको मिलने वाला है। लेकिन एक रूल्स है इसका, एक तारीख से लेके आठ तारीख के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा अगर शॉर्ट्स फंड से आप पैसा आपको मिलने वाला है, मतलब आप इसका हकदार है, तो एक तारीख से लेके आठ तारीख के अंदर आपको एक मेल आएगा, उस मेल को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी 25 तारीख से पहले। अगर 25 तारीख के बाद हो जाएगा, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस महीने का जो अर्निंग होगा, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, वो पूरा माइनस हो जाएगा, उस पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए शॉर्ट्स का ये रूल्स है भाई, एक तारीख से आठ तारीख के अंदर आपको मेल आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करने 25 तारीख से पहले, फिर जाके आपका शॉर्ट्स फंड का जो पैसा है वो सेम एडसेंस में ऐड हो जाएगा। और दोस्तों, लॉन्ग वीडियो से जो आपको पैसा मिल रहा है अभी वो तो मिलेगा ही आपको, जैसे मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, और शॉर्ट्स फंड का भी पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा शॉर्ट्स के लिए एक अलग ही चैनल खोल लो, क्योंकि गाइस देखो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिक्स्ड हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसीलिए शॉर्ट्स का एक अलग चैनल खोल लो, आपका दोनों में से इनकम हो जाएगा। और अगर उसी चैनल पे आप अपलोड करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक और एक रूल से, अगर आप लॉन्ग वीडियो का जो चैनल है अगर उसी पे आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, लॉन्ग वीडियो जिस कैटेगरी का चैनल है, जिस कैटेगरी के ऊपर आप कंटेंट अपलोड करते हैं, उसी कैटेगरी होना चाहिए शॉर्ट्स वीडियो, दूसरा कोई कैटेगरी हो जाएगा तो आप शॉर्ट्स फंड का हकदार नहीं रहेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों की मन में डाउट था, तो इसीलिए ये वीडियो बनाना मैं जरूरी समझा, इसलिए वीडियो बना दिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल में नया तो भाई फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस तरह का कॉन्टेंट इस चैनल में हमेशा ही आता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।